ये बच्चों की हालत आपके सामने है, बिल्कुल नाजुक स्थिति है इन लोगों की। इनके माँ बाप जनवरी में इनके पिता ख़त्म हो गए थे, मार्च में इनकी माता ख़त्म। तो अब क्या स्थिति है इनके खाने पीने की, क्या व्यवस्था है? इनके खाने पीने की व्यवस्था जो गांव के समाज सेवी हैं, जैसे महेश भाई साहब हैं, बबलू परिहार जी हैं, सुषपाल सिंह जी परिहार, और गांव के सभी लोग सरपंच हैं, इनके अपना गांव से मांग के खाना पीना दूध जो भी है उससे अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तो कहाँ रह रहे हैं बच्चे? ये अभी मरघट के पास में एक छोटा सा मंडली बनी है, छोटा सा मकान है कच्चा, उसमें निवास करते हैं। अच्छा, इनको शासन की किसी भी योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, इसकी वजह क्या है? एक तो इसकी वजह यह है कि बच्चे हैं और इनके पास कोई कागज़ नहीं है, ना इनके पास आधार कार्ड है, ना आईडी है, और दूसरी बात यह भी रही कि हम लोगों की भी कहीं ना कहीं गलतियाँ रही हैं जो अभी तक इनको इतना हाईलाइट नहीं कर पाए। सम्माननीय पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी, वर्तमान विधायक लाहार, जिस दिन आए वो अपने भाई साहब के यहाँ आए थे और उनकी निगाह पड़ गई, उस दिन से ये सिलसिला जारी है। तो आपको क्या लगता है, इनके दस्तावेज अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको मदद मिल सकती है कि सरकार? हाँ, मिलना चाहिए, इसमें अब बड़े स्तर पर उम्र कोई बाधा नहीं बनेगी? नहीं नहीं, इसमें उम्र की बाधा इसलिए नहीं बनेगी कि अभी हमारे सुषपाल सिंह जी आज ले गए थे, हमारे सहायक सेक्रेटरी भी साथ में गए थे, तो आधार कार्ड कंप्लीट हो गए, आईडी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला है बीपीएल तैयार हो जाएगा। अब मेरा मानना है कि जहाँ तक शासन से जो लाभ मिलेगी वो पूरी लाभ मिलेगी। वो पांच जो बच्चे हैं तो उनके उन तक हमारा महिला बाल विकास का जो टीम पहुंच गया है, संरक्षक अधिकारी है वो, उनका जो टीम का जो सोशल सर्वे और उनका जो फैमिली सर्वे है ये दोनों सर्वे भी कर दिए हैं। अभी उनका जो दादा के पास ये पांचों बच्चे उनके साथ रहती है और उनका दादा को भी काउंसलिंग किया जा रहा है और इन बच्चों को सुरक्षित जल्दी ही हम शिशु गृह या बालिका गृह में शिफ्ट करने का तैयारी में हैं।